कोमल दोगन से मिलने ऑफिस जाती है। दोनों बाप बेटी में बहुत प्यार है अभी, और कोमल का यिल्द से कोई टक्कर ना होता देख दोगन हैरान होता है। कहता है, पहले जैसी बुरी नहीं रही तुम। कोमल कहती है, वो माजी है और यिल्दिज को मैं आपके लिए झेल लेती हूँ। वैसे आप लोग अलग कब हो रहे हो? दोगन का यिल्दिज के लिए प्यार देखकर कोमल कहती है, अभी मुझे गुस्सा आ जाएगा। और कहती है, अम्मी को हमारे लाइफ से भगाइए, बहुत इरिटेटिंग है, आज मिलने बुला रही थी। क्या मुझे मिलना चाहिए? दोगन कहता है, एक उंगली दोगी तो पूरा हाथ पकड़ लेगी वो। कोमल कहती है, ठीक है, नहीं मिलूंगी। आलिया कोमल को देखकर उसे तंज करने की कोशिश करती है, और इसी दौरान कोमल जानती है कि आलिया और हानदान मिलते हैं। कोमल कहती है, दोनों सोलमेट बन सकते हो वैसे, एक जैसे ही हो, पर उससे बचकर रहना, ऐसा डसती है कि हालत ख़राब कर देती है। दोगन हानदान को फिर से धमकाने के लिए कॉल करता है, पर उसे कोई डर ही नहीं है, खुला घूम रही है। हानदान जो दोगन को ख़त्म करने का प्लान कर रही है, उसी प्लान के तहत वो कोमल के नाम होने वाले पैसे अपना करने के साथ साथ कोमल के साथ रहने का भी सोचती है। कहती है, उसका डैड मर जाएगा तो उसको बीच रास्ते नहीं छोड़ सकती। वाह, वो कितनी अच्छी औरत है ये। अभी वो आकिफ वाले रेस्टोरेंट जा रही है। इधर आलिया जुनैद को ज़बरदस्ती रेस्टोरेंट ले जाने कहती है। जुनैद को ले जाना पड़ता है आकिफ के रेस्टोरेंट में। वहाँ हानदान और जमाल भी होते हैं। यहीं पे आलिया जुनैद को बताती है कि ये कोमल की अम्मी है और कोमल के साथ उसकी नहीं बनती। वो लोग हाई हेलो करते हैं एक दूसरे को, फिर अलग टेबल पर बैठ जाते हैं। उसी वक्त एक हिकमत नाम का आदमी आ जाता है, जो हानदान को किराए पर महंगी गाड़ियाँ देता है ताकि वो शो ऑफ कर सके। यानी ये जो बड़ी सी गाड़ी है, ये किराए की है और अभी तक इन्होंने इसका किराया नहीं चुकाया। वो उनके पास आके पैसे मांगने लगता है, तो आलिया उन्हें देखती है। एम्बेरसमेंट में हानदान ऐसे बात करने लगती है एज़ इफ जमाल ने ही पैसे नहीं दिए और उसे इस बारे में नहीं पता। जमाल जल्दी से हिकमत को बाहर ले जाता है पैसे देने के लिए। आलिया जुनैद से कहती है कि इनका ज़रूर कोई प्रॉब्लम है। इधर यिल्दिज पूरे फैमिली के साथ डिनर करती है और आमिर यिल्दिज को मैसेज करता है, देखो जुनैद आलिया को डिनर करने ले आया है, उस पर भरोसा मत करना कभी। ये देख के यिल्दिज अपसेट होकर ऊपर चली जाती है और आसमा भी आ जाती है। आसमा को बताती है कि देखो इस जुनैद को, यानी कि यिल्दिज को जलन हो रही है। कैसी है ये यार, किसको चाहती है? या फिर चाहती है दोगन और जुनैद दोनों उसको लेके लड़ाई करें? कुछ दिन पहले दोगन को बिनिश के साथ देखा था, तब भी जल रही थी। स्ट्रेंज, आसमा भी यही कहती है कि तुम्हें क्यों जलन हो रही है। अगली सुबह हानदान से मिलने जाने के लिए शाम से आकिफ की गाड़ी की चाबी लेती है आकिफ के जीन्स से, जब आकिफ सो रहा था। तभी वो देखती है कि आकिफ के व्हाइट टी शर्ट पे खून लगा हुआ है। पूछने पर आकिफ टी शर्ट छीन लेता है और कहता है, मेरा हाथ कट गया था, और शामजे को डांट के बाहर भेज देता है। बाहर मोहल्ले के लोगों को शामजे कहते सुनती है कि एक आदमी को किसी ने बेरहमी से मार मार के मर्डर कर दिया। कहते हैं, अच्छा किया, हमेशा अपने बच्चों को मारता था वो आदमी और स्कूल नहीं जाने देता था उन्हें। अब शामजे भी आमिर की तरह सोचने लगी है, यानी आकिफ पे शक करने लगी है। इधर यिल्दिज को जुनैद कॉल करके बुलाता है, ये कह के कि हालिद चान के सर पे चोट लगी है। वो दौड़ के जाती है तो जुनैद कहता है, मैंने झूठ बोला, सॉरी। वहाँ देखती है पूरा घर रोमांटिक तरीके से सजा हुआ है। यिल्दिज कहती है, क्या है ये सब? वो कहता है, हमारी यादें। वो एक वीडियो प्ले करते हैं जिसमें यिल्दिज और जुनैद की सारी यादें कोलैब करके डाला हुआ है। यिल्दिज देखना शुरू करती है तो अंदर से ही खुश होने लगती है, पर दिखाती नहीं। जुनैद ये समझ जाता है। वो यिल्दिज से कहता है, आई लव यू, वीडियो पे भी लिखा हुआ था। कहता है, हाँ सुनना है मुझे। तभी सादी खाली चान को लेकर आ जाता है और फिर यिल्दिज जाने लगती है। जुनैद कहता है, तुम्हारे और खाली चान के बिना मैं नहीं जी सकता। यिल्दिज कहती है, अपने मंगेतर के साथ रहो। वो कहते हैं, कोई मंगेतर नहीं है वो, सब भूल जाओ, वापस आ जाओ मेरे पास। यिल्दिज जाने लगती है तो वो कहते हैं, मैं जवाब का इंतज़ार करूँगा। हानदान शामजे को उसकी फ़्लाइट टिकट देती है और इसी बहाने शामजे से उगलवाती है आकिफ का। शामजे कहती है, बहुत अच्छा बंदा है, दरअसल वो थोड़ा सुपर हीरो टाइप का है, उसे ज़्यादती पसंद नहीं और वो बुरे लोगों को सबक सिखाता है। हानदान पूछती है, कहना क्या चाहती हो? शामजे उस पर भरोसा करके उसे कह देती है कि हमारे वहाँ एक आदमी मर गया है जो अपने बच्चों को मारता था और आकिफ के शर्ट पे खून के निशान थे। वाह शामजे वाह, हानदान को सही इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब कुछ देर बाद आकिफ कार लेके निकलता है और रास्ते में एक कार आती है जिसमें एक औरत को एक आदमी मार रहा था ड्राइव करते करते और उस पर चिल्ला रहा था। आकिफ ये देख लेता है और उस कार को चेज़ करता है, पर वो कार एंड मौके पे दूसरी टर्न ले लेती है और आकिफ बहुत गुस्सा हो जाता है कि वो उसे पकड़ के ऊपर नहीं पहुंचा पाया। दरअसल बाद में पता चलता है कि इस गाड़ी में जो आदमी और औरत है वो लोग मियाँ बीवी ही नहीं है, बल्कि दोनों नाटक कर रहे थे मारपीट करने का आकिफ के रिएक्शन को देखने के लिए। उन्हें उनका जवाब मिल गया, इनको किसने भेजा होगा? जमाल ने, यानी हानदान ने। वो आदमी आके जमाल को बता देता है। जमाल हानदान को बता देता है। हानदान कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, फिर तो उससे काम निकालना आसान है। वो आलिया के कहने पर शॉपिंग पे चलती है, पर वो कुछ खरीदती नहीं। आलिया खरीदती है और नाटक करती है कि वो वॉलेट लाना भूल गई। हानदान से कहती है, प्लीज़ अभी के लिए अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करने दोगी?
मैं शाम तक लौटा दूंगी। हानदान के पसीने छूटने लगते हैं। वो दे देती है एक कार्ड, पर उसमें बैलेंस नहीं है। हानदान बहाना करती है कि उसका ये वाला कार्ड चोरी हो गया था यूके में, और चोर ने सारे पैसे निकाल लिए और बाकी कार्ड्स घर पे है। आलिया इविल स्माइल देती है और ड्रेसेस कैंसिल कर देती है। हानदान जमाल से कहती है कि डेफिनेटली आलिया को भनक लग गई है मेरे कंगलेपन की। इधर आसमा पूरी कर्ज में डूब चुकी है और जल्दी से पैसे नहीं ले सकती, इसलिए एमएल अपने दोस्त के पास आसमा को ले जाती है उससे लोन लेने के लिए। सब लोन से, अमीर दिखाओ लोन से, जुआ खेलो लोन से, और फिर बैंकक्रप्ट होके मर भी जाओ लोन से। इस चीज़ को लेके आगे जाके कोई बड़ा सा गोलमाल होने वाला है। इधर जुनैद सादिक से यिल्दिज़ की बातें करता है और आलिया सुन लेती है। उसने सुना कि जुनैद यिल्दिज़ को मना रहा है और आलिया को भेजने का प्लान कर रहा है, प्लस यिल्दिज़ के साथ भागना चाहता है, और ये भी बताया यिल्दिज़ को कि उसकी मंगनी एक नाटक है। आलिया सुन के कुंवर को बुलाती है, कहती है कि जुनैद और यिल्दिज़ मुझे धोखा देके भागने का प्लान कर रहे हैं। इस जुनैद को देखो, मेरे साथ टीम बना के मुझे ही धोखा दे गया, और ये यिल्दिज़ पहले डोगन को छीना, अब जुनैद को, पर मेरे लिए अच्छा है, अगर दोनों चले गए तो डोगन मेरा होगा। इधर हानदान यिल्दिज़ को जलाने आती है, कहती है डोगन ने मुझे मैंशन खरीद के दिया था। तुम्हें नहीं दिया, मुझे तो ढेर सारी ज्वेलरी खरीद के दी थी। अजीब है, यिल्दिज़ जलने लगती है कि उसे तो आज तक ऐसा कुछ नहीं दिया। कोमल भी आ जाती है। हानदान गुल झाड़ती है कि कोमल की हर जिद पूरी करता था डोगन, मेरी हर जिद पूरी करता था। बहुत बोलती है तो कोमल पूछती है कब जाओगी आप। वो कहती है रुको रुको, यिल्दिज़ को भी मज़े आ रहे हैं। देखा यिल्दिज़ हमारे लिए कितना कुछ खरीद के दिया था उसने, यहाँ तक कि मरहूम आरजू के लिए भी उसने घर जेवरात वगैरह वगैरह खरीद कर दिया था। कोमल कहती है क्या, आरजू के लिए? मजाक मत कीजिए। हानदान कहती है सच में, यानी अगर वो अपनी बीवी के लिए कुछ ना खरीदे इसका मतलब वो उसे कमतर समझता है। यिल्दिज़ कहती है मैं क्यों भीख मांगू उससे तोहफों के लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर रोने जैसी शक्ल बना लेती है। आसमा यिल्दिज़ को समझाती है कि ये सब हानदान तुम्हें जलाने के लिए कर रही है, पर यिल्दिज़ इसलिए भी रो रही है कि डोगन उसको भाव नहीं देता, और इसलिए भी कि अब वो जुनैद को क्या कहेगी। इधर आलिया जुनैद का मोबाइल पासवर्ड जानती है। जब जुनैद नहा रहा था तब आलिया उसका मोबाइल अनलॉक करके कोमल को मैसेज करता है, आई मिस यू, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मैं वापस तुमसे रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ। ये भेज के आलिया मैसेज डिलीट ही कर देती है। कोमल को मैसेज मिलता है तो वो चिल्लाकर कहती है क्या बकवास है। यिल्दिज़ पूछती है तो वो बताती है देखो जुनैद ने क्या भेजा है, हाँ मुझे कोई भी मिस करेगा पर मैं उसे क्यों माफ़ करने लगी, भाड़ में जाए। यिल्दिज़ गुस्से से लाल, पूछती है कि तुम क्या रिप्लाई करोगी। वो कहती है कुछ भी नहीं। यिल्दिज़ गुस्से में ऊपर जाके आसमा को सब बताती है कि जुनैद हर लड़की को अपने पास बुलाने लगा है, मुझे लगा मेरे बच्चे की खातिर कम से कम मेरे साथ लॉयल्टी के साथ वापस आना चाह रहा होगा, पर ज़रा देखो तो इसे, अब मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। ओके देन, वीडियो ख़त्म, बाय।